और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और सागर दौरे पर रहेंगे। बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों का निरीक्षण करेंगे, तो अलग अलग गांवों में किसानों से भी मुलाकात होगी। मुआवजे को लेकर सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को सीएम का भरोसा यहां पर दिलाया गया था, जताया गया था। मॉनिटरिंग लगातार सीएम कर रहे हैं और इस बीच ट्वीट भी किया गया था। ट्वीट कर भरोसा जताया गया था, कहा गया था कि चिंता ना करें, मामा किसानों के साथ खड़ा है। तो सीएम शिवराज ने किसानों से कहा, मैं हूं ना। फसलों को लेकर किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी खराब फसलों का सर्वे कराया जाएगा। और चलिए इन खबरों पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, मौसम की बात करें तो अच्छी खबर मिल रही है, वहीं अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की दौरे की बात करें तो ये मुख्य दौरा है, क्योंकि यहां पर किसानों के मुआवजे को लेकर बातचीत हो सकती है और लगातार सीएम मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन भरोसा भी यहाँ पर जताया गया है। जी देखिए शुभांगी, खासतौर से आज से मौसम खुल रहा है और जिस तरीके से किसानों की चिंता थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आई, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो अलर्ट जारी किया था उसमें धीरे धीरे अब बहुत राहत मिलने की खबर आ रही है, जिससे धीरे धीरे पारा बढ़ेगा और जो है मौसम वो भी खुलता नजर आएगा। और जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दौरे कर रहे हैं, आज वो किसानी दौरे पर निकलेंगे, इसमें खासतौर से वो सर्वे करेंगे, किस तरीके से विदिशा जाएंगे, विदिशा के गुलाबगंज। जी सूरज, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल प्रगति, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और बीना जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो गुलाबगंज तहसील के कई गांव में जाएंगे, जहां पर फसल जो खराब फसलें हैं उनका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा बीना भी जाएंगे, बीना के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ओलावृष्टि के चलते फसलों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसानों से मुलाकात करेंगे, खेतों में जाकर फसलों का भी मुआयना करेंगे, किस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है। और इसके पहले भी हमने देखा, एक दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर बैठक की थी, इसमें निर्देश दिए गए थे कि 25 मार्च तक तमाम जो नुकसान हुआ है फसलों का उसका सर्वे किया जाए और आरबीसी की धारा 6-4 के तहत किसानों को राहत राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 3 अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई, चाहे राजस्व विभाग की बात करें, किसी विभाग की बात करें या पंचायत विभाग की बात करें, तो 3 विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वो तत्काल सर्वे करेंगे और 25 मार्च तक सर्वे रिपोर्ट देना है, जो पंचायत में भी जमा की जाएगी, चस्पा की जाएगी, कलेक्टर को भी दी जाएगी। यदि किसी प्रकार कोई आपत्ति आती है, ताकि किसान कलेक्टर या पंचायत में अपनी आपत्ति दर्ज कर उसका निराकरण करा सके। तो सरकार गंभीर नजर आ रही है और मुखिया आज खुद विदिशा और बीना जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का नुकसान का अवलोकन करेंगे और किसानों से भी मुलाकात करेंगे। प्रगति, बिल्कुल निश्चित ही सरकार भी यहां पर गंभीर नजर आ रही है और ऐसे में ये मुलाकात आज किसानों से होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम बातचीत के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा।